नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईविद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज के सत्र में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए मैथ सब्जेक्ट होगा और टॉपिक होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इस टॉपिक का दूसरा भाग आज छात्र पढ़ेंगे। पहले भाग में क्या पढ़ाया गया है उसका रिकैप भी होगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ अपने एक्सपर्ट का, अपने स्टूडेंट्स, अपने व्यूअर्स के साथ। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में कोऑर्डिनेटर संगीता ग्राहक। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सत्र में। जी नमस्कार सर, और हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को भी नमस्कार। जी, और हम सत्र की शुरुआत करें उससे पहले कुछ जानकारियां अपने छात्रों को शेयर कर लें, अपने दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आप इस टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, तो आप उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है 8800040559। इसके साथ साथ आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपनी क्वेरीज और अपने सुझाव या अपनी प्रतिक्रियाएँ भेज सकते हैं, जो है dth.class10@cieet.nic.in, जो आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। वी आर प्राउड दैट इंडिया एज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टी लिटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वाटरशेड मोमेंट इन हर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग प्रैग्मेटिक ग्लोबल सोल्यूशंस for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family। तो ये रही जानकारी, और इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं सत्र की। और मैम से मैं आग्रह करूँगा शुरुआत में ही कि पहले जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, पहला पार्ट पढ़ाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें क्या कुछ बारीक चीज़ें थी उसका एक रिकैप करें, ताकि जो स्टूडेंट्स आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको जानकारी मिल सके, और जो स्टूडेंट्स दूसरी बार भी आज का पाठ पढ़ रहे हैं वो पहले वाले पाठ से जो सीखा है उसको रिकैप कर सकें, रिवीजन कर सकें, दिमाग में फिर से उसको बैठा सकें। मैम, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 1। यस, बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू है। बट अगर बात करते हैं कुछ पैटर्न्स की, कुछ सीक्वेंसेस की, तो वो हमारे सभी स्टूडेंट्स बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर अभी भी एक छोटी सी एक कुछ भी सीक्वेंस लिखते हैं, लेट मी राइट 1, 7, 13 एंड देन 19, तो इस सीक्वेंस को देखकर चाहे हमारे स्टूडेंट्स को एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसका आइडिया है या फिर नहीं है, बट दे कैन ईजिली फिल दीज ब्लैंक्स, क्योंकि समझ आ रहा है कि 1 में 6 ऐड करने पर वी आर गेटिंग 7, देन अगेन एडिंग 6 वी आर गेटिंग 13, अगेन एडिंग 6 19, एंड डेफिनेटली व्हाट विल बी आर नेक्स्ट टर्म, इट विल बी 25, देन ऑन एडिंग 6 इट विल बी 31, देन 37। तो इस तरह की कोई भी सिक्वेंस जिसमें आपका हर बार जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो इक्वल होता है, उससे आप बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और वी कैन से एपी। एंड वी हैव डिस्कस्ड कि सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि जब किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, यानी अंडर सम साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, जब सभी टर्म्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, दैट इज नोन एज अ सीरीज, और अगर हम कॉमास इनपुट कर रहे हैं इन बिटवीन, देन दिस इज अ सीक्वेंस। सो वी विल डिस्कस अबाउट एपी सीरीज एंड एपी सीक्वेंस। एंड वन थिंग हेयर इज विच इज नीड टू बी डिस्कस्ड, दैट एवरी नंबर इन एनी सीक्वेंस और अ सीरीज इज कॉल्ड इट्स टर्म। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, सो दिस वन, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, दिस इज द सेकेंड टर्म of this sequence, this is the fourth term of this series, right? If I am writing one more series or sequence, let me say it is 5, 1, -3, -7 and so on. So is sequence mein what is the second term? Second term is 1. This is first, second, third, fourth, fifth, like this the terms are there. All right?
तो अभी हमें समझ आ गया है कि एपी का मतलब है जहां पर डिफरेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल होते हैं. इफ आई एम राइटिंग वन मोर सीक्वेंस, लेट दैट बी 1, 4, 9, 16, 25. डियर व्यूअर्स, आप बहुत बहुत आसानी से मुझे यहाँ भी नेक्स्ट 3 टर्म्स बता सकते हैं. यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट टर्म इज 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर. सो वट विल बी द 6th टर्म? दैट विल बी 36. द नेक्स्ट टर्म दैट विल बी 49. बट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज नॉट सेम, वो वेरी कर रहा है, अलग अलग है. तो ये एक एपी नहीं है, ये एक जनरल सीक्वेंस है जिसके अंदर कोई और रूल फॉलो हो रहा है, और वो रूल बन रहा था एन स्क्वायर. ऑल राइट, यहाँ हमने कुछ एक एपीज लिखी हैं. इन द फर्स्ट एपी वी कैन सी इट इज 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन. सो द कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव 4 हियर. अगर आप देखते हैं सेकेंड सीक्वेंस को, विच इज 7, 7, 7, 7, तो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है? हमें लग रहा है कि शायद सभी टर्म सेम हैं, तो ये एपी है या नहीं है? सो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल्सो एन एपी इन विच द डिफरेंस इज 0, दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज 0. सो दिस इज एन एपी नॉन एज कॉन्स्टेंट एपी. और अगर आप देखते हैं द नेक्स्ट एपी को, तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है दैट द फर्स्ट टर्म इज 30. सो यू कैन से दैट A1 और A इज इक्वल टू 30. D इज नॉन एज द कॉमन डिफरेंस विच इज हियर 24 माइनस 30, विच कैन बी री रिटन एज -6. सो D का मतलब क्या है? D इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. ऑलवेज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D बाय सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म. नाउ कॉमन डिफरेंस को हमने डिस्कस किया, कि कॉमन डिफरेंस विल बी पॉजिटिव इफ द एपी इज इंक्रीजिंग, एंड सिमिलरली इट विल बी 0 इफ द एपी इज कॉन्स्टेंट एपी, एंड इट विल बी नेगेटिव, मीन्स कॉमन डिफरेंस विल बी नेगेटिव इफ द एपी इज डिक्रीजिंग. हमने अभी यहाँ पर भी डिस्कस किया, साफ हम क्लियरली समझ पा रहे हैं दैट दिस थर्ड एपी इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी इज -6. ऑल राइट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी? तो फाइनाइट वर्ड से ही क्लियर है कि ऐसी कोई भी सीक्वेंस, ऐसी कोई भी सीरीज जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती हैं, जिसके अंदर दी गई टर्म्स को काउंट किया जाना पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, राइट डाउन अ सीक्वेंस ऑफ ऑल दी ओड नंबर्स लेस देन 20. सो वट विल यू राइट? यू विल डेफिनेटली टेल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. So this is an AP. Definitely it is an AP because D is 2 and finite AP. क्योंकि इसके अंदर जितनी terms है वो count करना possible है. But if I am writing the sequence of odd numbers, the sequence of all odd natural numbers, so this is an endless sequence. Therefore, it is known as infinite AP. Okay, general term of an AP को अगर हम discuss करते हैं, it is, अगर हम बात करते हैं, what is the first term? Let that be rewritten as A1 and A1 is equal to A. What do you mean by the second term? That is A plus D. What is A3? That is definitely A plus 2D. Actually, हुआ क्या? आपकी first term A है. और अगर आप A में कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देते हैं, वी आर एबल टू गेट दी सेकेंड टर्म. सिमिलरली सेकेंड टर्म में फिर से D ऐड किया, सो वी आर एबल टू गेट दी थर्ड टर्म. यानी कि जब सेकेंड टर्म है, यहाँ पर 1D मेंशन किया गया है, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 यानी कि 2D. वी कैन इजिली टेल कि A5 में क्या होगा? A+4D. वी कैन इजिली टेल दैट A10 विल बी A+9D. सो आपने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है कि अगर हमें किसी एपी की nth टर्म कैलकुलेट करनी है, सो व्हाट दैट nth टर्म विल बी? दैट nth टर्म विल बी रिटन एज an एंड द वैल्यू ऑफ द सेम इज A+N-1 into D. ऑल राइट, जैसा कि अभी हमने कोई भी एपी लिखी,
लेट मी राइट हियर 7, 10, 13. मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म, आप इजीली बता देंगे मैम इट इज 16. इफ आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, आप फिर से 3 ऐड करके मुझे आंसर दे सकते हैं 19. बट इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द 99th टर्म ऑफ दिस एपी, अगर आपको ए 99 निकालना है सो इन दैट केस यू नीड टू गो थ्रू सम फॉर्मूला एंड व्हाट दैट फॉर्मूला इज दैट इज डेफिनेटली ए एन ए 99 इक्वल्स ए प्लस 98 डी. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ डी, वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज एंड एज द रिजल्ट यू आर गेटिंग 7 plus 2 = 94 एंड ऑन एडिंग बोथ ऑफ दीज वी आर गेटिंग 301 विच विल बी द 99th टर्म ऑफ द गिवन एपी. डियर व्यूअर्स, एक चीज हम बहुत अच्छे से सोचेंगे समझेंगे, व्हाट दैट इज कि अगर आपको बात की जाती है नंबर ऑफ टर्म्स कि किसी एपी में कितनी टर्म्स हैं, सो उस एपी में 3 टर्म्स हो सकती हैं, 7 टर्म्स हो सकती हैं, 10 टर्म्स हो सकती हैं, 50 और 100 और व्हाटसोएवर. बट किसी भी एपी में क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि मैं बोलूं कि इस एपी में 10.3 टर्म्स हैं और इस एपी में √3 टर्म्स हैं और किसी एपी में 7/3 टर्म्स हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल, फ्रैक्शन और रूट की फॉर्म में, दैट मीन्स इरेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं हो सकते. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, सो आपका आंसर होगा देर आर 42 स्टूडेंट्स, देर आर 35 स्टूडेंट्स, देर आर 27 स्टूडेंट्स, मीन्स दैट विल बी अ कंप्लीट नंबर. आर आंसर कैन नेवर बी लाइक दिस 27.7 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. सो जब भी काउंटिंग की बात होती है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात होती है, दैट कैन बी नंबर ऑफ ट्रीज, दैट कैन बी नंबर ऑफ लोग्स, दैट कैन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाटसोएवर, दैट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर. लेकिन अगर हम बात करें कि थर्ड नंबर पर किसी एपी में क्या 1.1 आ सकता है, किसी एपी की फोर्थ टर्म क्या 7/3 हो सकती है, सो आवर आंसर विल बी डेफिनेटली यस. ऑल राइट, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर हम लिखते हैं 4/3, 7/3, देन 10/3, देन 13/3, सो दिस इज एन एपी और इस एपी में कॉमन डिफरेंस इज डेफिनेटली 1. क्लियर? सो नंबर ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर बट द गिवन टर्म्स दैट मीन्स a1, a2, a3 वो कंप्लीट नंबर हो सकती हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती हैं, इरेशनल हो सकती हैं, दैट कैन बी पॉसिबल. ऑल राइट, सो एक जो क्वेश्चन हमारे सामने मेंशन है, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हाट इट इज, चेक करना है वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट. सो क्लियरली विजिबल है एवरी टाइम द डिफरेंस इज 4, देयरफॉर दिस इज एन एपी. ओके, आफ्टर डिस्कसिंग दिस एपी लेट अस डिस्कस 2 मोर क्वेश्चंस. आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नो. लेट मी राइट √3, √6, √9, √12, √15 एंड सो ऑन. व्हाट डू यू फील, ये एपी है या नहीं है, सोचिए. तब तक के लिए एक और एग्जांपल आप सभी के सामने. लेट इट बी √2, √8, √18, √32, √50 एंड सो ऑन. सो दो सीक्वेंसेस हमारे सामने हैं. इन द फर्स्ट सीक्वेंस इट इज √3, √6, √9, √12. इल्यूजन है, समझने की कोशिश करना. आपको एक कॉन्सेप्ट जो इरेशनल नंबर से रिलेटेड होता है उसकी नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल राइट दैट येस इट इज एन एपी. क्योंकि आपको लगेगा, लेट अस हाईलाइट दीज नंबर्स, के 6 और 3 का डिफरेंस जो है वो 3 है, फर्दर 9 और 6 का जो डिफरेंस है वो भी 3 है, 12 और 9 का डिफरेंस भी 3 है. सो सिंस द डिफरेंसेस आर कॉमन, सो यस इट इज एन एपी. बट डियर व्यूअर्स, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपको 3 और 6 का या 6 और 3 का डिफरेंस नहीं देखना, आपको डिफरेंस देखना है √6 और √3 का. आपको डिफरेंस देखना है फर्दर √9 और √6 का, एंड वी नो दैट दीज डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल. रीजन बिहाइंड दैट इज √a माइनस √b को आप कभी भी ये नहीं लिख सकते,
तो इस तरह की मिस्टेक हम नहीं करेंगे। जब भी एग्जाम में हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ओवर कनिंग हो जाना है, ध्यान से उस क्वेश्चन को समझना है और एग्जैक्टली जो भी राइट आंसर हो वो आप देंगे। इसी तरह से सेकेंड जो हमें सिक्वेंस दिखाई दे रही है, इस सिक्वेंस में 2, 8 आपको देखने भर से लग सकता है कि ये तो एपी हो ही नहीं सकती, बट लेट अस सी इट, ऑब्जर्व इट केयरफुली। √2 देन √8 की अगर हम बात करें, फैक्टराइजेशन करने पर आप √8 को इजीली लिख सकते हैं 2√2, फर्दर इट इज 3√2, 4√2, 5√2। सो इट इज क्लियर कि नेक्स्ट टर्म जो रहने वाली है दैट विल बी 6√2, नेक्स्ट टू दैट विल बी 7√2। सो एवरी टाइम हम √2 प्लस करने पर अपनी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर पा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन दैट यस, दिस इज एन एपी एंड दिस इज नॉट एन एपी। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको एपी गिवन है और एक टर्म गिवन है। क्वेश्चन है कि क्या इस एपी में कहीं ना कहीं जाकर कुछ टर्म्स के बाद कहीं ना कहीं क्या 78 आ सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पूछा विच टर्म विल बी 78। सो हाउ वी विल स्टार्ट, हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला किया है। लेट अस सपोज दैट nth टर्म इज 78। ओके, इफ nth टर्म इज 78, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 78। वट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? दैट इज 3। वट इज द वैल्यू ऑफ डी? दैट इज डेफिनेटली 5। सो यू पीपल आर गेटिंग 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 78। देन एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल 75 एंड ऑन सॉल्विंग द सेम वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन टू दी 16। यानी 16th टर्म वो टर्म है जो इक्वल होगी 78 के। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इस एपी में कहीं ना कहीं 1073 आएगा? तो द सेम वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपके पास सॉल्व करने के बाद एन की एक कंप्लीट वैल्यू आ जाती है, एन एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आपके पास आ जाता है, देन यू विल से दैट यस, दिस इज द वन ऑफ द टर्म फ्रॉम द एपी, और वो कौन से नंबर की है जो भी एन की वैल्यू है। बट देर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि एन की वैल्यू आपके पास कंप्लीट ना आए, फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में आए, तो आप बोल देंगे नो, दिस पर्टिकुलर वैल्यू कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ गिवन एपी। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज एन अननोन वैल्यू टू अस। एपी के 3 टर्म्स गिवन हैं, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास नहीं हैं। बट इन 3 टर्म्स की हेल्प से देखिए, अगर मैं बोलती हूँ कि ए बी एंड सी, ये कोई ऐसी 3 टर्म्स हैं जो तीनों एपी में हैं, सो सिंपली आप बोल सकते हैं कि बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। बी और ए का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस होगा सी और बी के बीच में। ऑन सॉल्विंग द सेम इक्वेशन वी आर एबल टू गेट दैट 2b इक्वल्स सी प्लस ए। दैट मीन्स डबल ऑफ द मिडल टर्म इक्वल्स फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म, एंड ड्यू टू विच यू कैन राइट हियर डबल ऑफ के माइनस वन इक्वल्स फर्स्ट टर्म प्लस 12। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन केस ऑफ एन ए पी डबल ऑफ द सेकेंड टर्म विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ऑन सॉल्विंग द सेम डेफिनेटली आप के की वैल्यू निकाल पाएंगे। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, इट इज अगेन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस ए पी। अगेन आपको एन की वैल्यू ही निकालनी है। आपके पास ए है, यू नो द वैल्यू ऑफ ए इज 7, यू नो द वैल्यू ऑफ डी इज 13 माइनस 7, यू नो द वैल्यू ऑफ ए एन लिखना होगा हमें, दैट लेट अस सपोज nth टर्म इज 205। सो ऑन सॉल्विंग द सेम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एंड शेयर विद अस। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, आपको चेक करना है क्या -150 गिवन ए पी की कोई टर्म हो सकती है या नहीं हो सकती। यू डू हैव द फर्स्ट टर्म इज 11, यू हैव द वैल्यू ऑफ डी इज -3,
आप सपोज कर लेंगे कि nth टर्म हमारे पास है नेगेटिव 150। ओके, लेट अस ट्राई सॉल्विंग द सेम। हमारे पास वैल्यू आ रही है n माइनस 1 इंटू नेगेटिव 3 इक्वल्स नेगेटिव 161। डेफिनेटली अगर हम नेगेटिव 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इसे इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं सो इट विल बी इन डिवीजन देयर एंड देन द वैल्यू ऑफ n इज 164/3। डेफिनेटली 164 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ड्यू टू विच यू कैन से कि n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर देयरफॉर दिस कैन नॉट बी द एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी। सो वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू डिस्कस एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे सेशन सर। लेट अस डिस्कस द वेरी लास्ट क्वेश्चन टूडे एंड व्हाट इट इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी इन विच 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, आप एपी कर रहे हैं और यहाँ अभी जो इक्वेशन आपकी बनने वाली है वो उस टॉपिक से है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो हमें उसको बहुत ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से करना है, फोबिया नहीं रखना, डरना नहीं है। लेट अस सी द 11th टर्म इज 38। डेफिनेटली आप लिख पाएंगे a प्लस 10d इक्वल्स 38। 16th टर्म इज 73 सो a प्लस 15d इक्वल्स 73। बहुत ब्यूटीफुली आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे और हमें बताएंगे 31st टर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आज कक्षा 10वीं के मैथ के छात्र पढ़ रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चैप्टर मैथ्स का जो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके पार्ट टू में मैम ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे सेशन। थैंक यू हमारे साथ। थैंक यू, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द सम ऑफ एन टर्म्स। जी, हमारे साथ जुड़ी थी सविता ग्राहक जो कि गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों अपने छात्रों से आज के सत्र को यहीं संपन्न करने की लेंगे अनुमति। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देनी है कि अगला सत्र कौन होगा। अगला सत्र कक्षा 9वीं के उर्दू विषय के छात्रों के लिए रहेगा, और आज का जो टॉपिक है वो है वली की गज़ल मुफलिसी सब बाहर खोती है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और नए पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, उन्हें अगर अब तक आप नहीं ले पाए हैं तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेल्स काउंटर अवेलेबल हैं एनसीईआरटी के देश भर के अलग अलग शहरों में, नई दिल्ली और साथ ही साथ अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, जहां से आप पुस्तकें खरीद सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सेल्स काउंटर्स अवेलेबल रहते हैं, और वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। इसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट ncertbooks.ncert.gov.in पर। बुक्स के डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे और आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी, और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये है ई दीक्षा, पाठशाला और एनसीईआरटी की वेबसाइट और एप्लीकेशन, जहां से डाउनलोड करके आप पाठ्य पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। और इसी सूचना के साथ, इसी जानकारी के साथ दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहिए ए विद्या प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।